डॉक्टर बसेरा कर रहे हैं, कौन लोग हैं कौन लोग नहीं है, कमेंट्स लाजमी कीजिएगा आप लोग। मार्केट पर भी जो नोटिस आ गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जो ट्रैक है वो गायब हो गया, जो ट्रैक को निकालने का सिलसिला यहाँ पे चल रहा है। झाड़ियों के अंदर क्या हो रहा है नहीं पता। ये बैनर लग चुका है यहाँ पर अंडरपास का, ज़ेर तामीर का, और इन जगहों के अंदर क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं गुलशन इकबाल टेराडी पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो काम का सिलसिला है वो काफ़ी तेज़ी के साथ जारी है। पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो काम का जो सिलसिला है वो काफ़ी तेज़ी के साथ जारी है। यहाँ पर जो अब अंडरपास बनने का जो काम का सिलसिला है वो शुरू किया गया है। और ये आप अभी इस टाइम पर जो मेरी कैमरे की स्क्रीन के आगे देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो एक ट्रैक हुआ करती थी तो वो ट्रैक अब यहाँ से कंप्लीट निकाल लिया गया है। अब दोबारा जो नए सिरे से ट्रैक डालने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो आगे चलते हैं, आगे काम भी हो रहा है और आपको दिखाते भी हैं काम किस तरीके से हो रहा है। ये दोनों रोड आ चुके हैं, गुलशन इकबाल टेराडी के ये दोनों रोड हैं, ठीक है। ये सामने मस्जिद है जहाँ पर मस्जिद पर भी निशानात लगाए गए हैं कि ये भी इस हिस्से में आएगा, सामने KCR 7A के हिस्से में आएगा। ये अंडरपास का जो सिलसिला है वो अब यहाँ से शुरू कर दिया गया है। ये आप भी देख सकते हैं कि ट्रैक की जो रिपेयरिंग का काम है वो शुरू कर लिया गया है। यहाँ पर जो बाकायदा तौर पर जो ट्रैक थे उसको निकाल कर यहाँ रख दिया गया है। और ये सामने ही आपको राइट साइड पर जो मुकम्मल फ्लैट्स वगैरह दिखेंगे, लेकिन लेफ़्ट साइड पर अगर हम देखें तो बहुत बड़ी फर्नीचर मार्केट है। फर्नीचर मार्केट पर भी जो नोटिस आ गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, लेकिन अभी तक इसको मिसमार करने का सिलसिला नहीं शुरू हुआ। मुकम्मल जो ट्रैक को निकालने का सिलसिला यहाँ पे चल रहा है और यहाँ पर मज़दूर लगे हुए हैं। तो ये आप ट्रैक भी देख सकते हैं जो मुकम्मल तौर पर यहाँ से निकाला जाएगा, फिर रिप्लेसमेंट किया जाएगा। और जैसे कि मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं, यहाँ पर आप अगर राइट साइड पे ये देखें, ये पूरा रोड बनाया जाएगा। यहाँ पर जो कि बैनर भी लगा चुके हैं, ये देखें, ये आप देख सकते हैं कि बैनर लग चुका है यहाँ पर अंडरपास का, ज़ेर तामीर का, और ये साथ में झाड़ियाँ हैं। और मैं थोड़ा सा और मज़ीद आगे की तरफ चलूं तो मैं आगे भी आपको दिखाता हूं कि काम की क्या सूरत हाल है। अभी ये देखें, यहाँ पर ये एरो लगा दिया है, ये देखें यहाँ पर ये एरो लग गया है। और अभी यहाँ से अंडरपास यहाँ तक निकलेगा और ये ट्रैक देखें आप, ट्रैक के ऊपर जो यहाँ से जो सिलसिला है काम का वो झाड़ियाँ कटिंग का, यहाँ से अब जो झाड़ियाँ वगैरह काटने का जो सिलसिला है वो चल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये KCR का ट्रैक है, गुलशन इकबाल टेराडी का। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। ये हम इस टाइम पर जो गुलशन इकबाल टेराडी पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो झाड़ियाँ वगैरह का जो सिलसिला है वो भी चल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रेलवे ट्रैक आपको वाज़ह तौर पर नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पर जो भरपूर झाड़ियाँ हुआ करती थी उसको कटिंग का सिलसिला यहाँ पर ये देख सकते हैं आप कि ये सामने से पूरी झाड़ियाँ होते हुए जा रही हैं, लेकिन यहाँ तक झाड़ियाँ ख़त्म कर ली गई हैं। और ये मुकम्मल अकॉर्शमेंट है टोटल, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सामने गाड़ियाँ भी चल रही हैं, ठीक है। और कैंप भी सामने लगा हुआ है। तो मज़ीद और हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं।
ज़्यादातर सूरत हाल। तो बाइक हमारी सामने है और बाइक पर बैठते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। पैदल चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है तो इसलिए हम बाइक पर ही आसानी के साथ वीडियो बना लेते हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मैं इस टाइम पर गुलशन इकबाल तेरा डी पर मौजूद हूँ और यहाँ से आप लोगों को ट्रैक के हवाले से ज़्यादातर सूरत हाल दे रहा हूँ। और राइट साइड पर आप देख सकते हैं ट्रैक जो चल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये भी ट्रैक है इससे, ठीक है। और ये जो ट्रैक सीधा जा रहा है, ये आप देख सकते हैं सामने मुकम्मल एकॉर्चमेंट बनी हुई है, यानी कि झोपड़ियाँ लोगों ने डाली हुई हैं। तो ये देखें, यहाँ पर ये झोपड़ियाँ डाली हुई लोगों ने, ये आप देख सकते हैं। ये झोपड़ियाँ डली हुई हैं और लोगों ने घेर लिया है ट्रैक के ऊपर, बसेरा कर रहे हैं। कौन लोग हैं, कौन लोग नहीं हैं, कमेंट्स लाजमी कीजिएगा आप लोग। कमेंट्स का आपका इंतज़ार रहता है, आप लोगों के कमेंट्स से मुझे एहसास होता है कि आप लोग यकीनन मेरी वीडियो देखते हैं और आप लोगों को कुछ ना कुछ तो लाजमी फ़ायदा होता होगा। ये आप मुकम्मल, अगर मैं इस जगह पर अपनी बाइक लेके जाऊं अंदर तो पंचर हो जाएगी गाड़ी। तो मैं यहाँ से आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ये मुकम्मल, ये देखें झाड़ियों के अंदर क्या हो रहा है नहीं पता, झाड़ियों के अंदर क्या हो रहा है नहीं पता भाई। ये झाड़ियाँ देखें मुकम्मल तौर पर, यहाँ पे झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ। मैं आपको दिखाता हूँ एक दफ़ा और, यहाँ से पूरा ये ट्रैक का सिलसिला है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये गाड़ी पंचर हो जाएगी अगर मैं आगे लेके गया तो, कोशिश करता हूँ। ये देखें, यहाँ से जो ट्रैक है वो गायब हो गया, ये देखें। ये मुकम्मल झाड़ी है, झाड़ियाँ हैं, ठीक है। गुलशन इकबाल तेरा डी पर मौजूद है। अब इन जगहों के अंदर क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है कि लोग क्या कर रहे हैं यहाँ झोपड़ियाँ बना के रेलवे ट्रैक के ऊपर। ये देखें यहाँ पर भी झाड़ियाँ हैं, जब रात का अंधेरा हो जाता है तो बहरहाल झाड़ियाँ भी दिख रही हैं। हम अपनी गाड़ी उतारते हैं नीचे रोड पर। ये ट्रैक का सिलसिला यहाँ से अब नज़र आ रहा है। ये देखें यहाँ पर, जहाँ पर झाड़ियाँ हैं वहाँ पर ट्रैक दिख ही नहीं रहा कि ट्रैक है भी, लेकिन यहाँ से दिख रहा है। और इसी ट्रैक में आप थोड़ा सा और आगे जाए तो जिलानी रेलवे स्टेशन आता है। और जिलानी रेलवे स्टेशन जो कि मैं काफ़ी बार बना चुका हूँ, तो यहाँ वहाँ पर भी जब कुछ वर्किंग जब दिखाई देगी तो हम वहाँ की भी लाजमी वीडियो शूट करेंगे। तो हम आपको यहीं से दिखा देते हैं ज़रा दूर से क्या सूरत हाल है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। गुलशन इकबाल तेरा डी पर मौजूद हूँ और ये देखें यहाँ पर जो रोड अभी नया नया डाला गया है पर ट्रैक के ऊपर ही डाल दिया।
ये गुलशन है इकबाल तेरा डी जिलानी रेलवे स्टेशन सामने ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपनी वीडियो की इब्तदा करेंगे, यानी कि वीडियो को एंड करेंगे गुलशन इकबाल तेरा डी जिलानी रेलवे स्टेशन के पास से। अपने मेज़बान को दें फिर इजाज़त, मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो में किसी और न्यू अपडेट के साथ। जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।